सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर चैनल अगेन। तो आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और इस वीडियो में मैं एक डिस्कस करने वाला हूँ कि अभी के टाइम पे जो है बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं कि जो प्रोग्राम ज्वाइन कर रहे हैं आईसीआईसीआई पीओ प्रोग्राम, बट 4 मंथ्स के ट्रेनिंग के बाद, जैसे उनका 4 मंथ्स का ट्रेनिंग खत्म हो रहा है वहाँ बैंगलोर में, उसके बाद जब वो इंटर्नशिप पे आते हैं 2 महीने का, जब उनका इंटर्नशिप खत्म हो जाता है, उसके बाद क्या होता है कि OJT में जाते जाते वो लोग रिजाइन कर देते हैं, क्योंकि वो लोग बोलते हैं ऐसा कि बहुत ज़्यादा प्रेशर है, या फिर आप YouTube पे बहुत ज़्यादा वीडियो देखते होंगे जहाँ पे बहुत सारे लोगों ने अभी तक रिजाइन कर दिया है और बहुत सारे लोग परेशान हो चुके हैं इस जॉब से। तो रियलिटी क्या है और लोगों को किस तरह की नौकरी आज के टाइम पे पसंद है, जॉब पसंद है, उस हिसाब से मैं इस वीडियो में डिस्कशन करूंगा और मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू को शेयर करूंगा कि क्या मेरे हिसाब से ये जॉब ठीक है या नहीं है, या फिर क्या बेसिक रीज़न है कि पीओ जो है वो रिज़ाइन कर रहे हैं बार बार। तो जो भी लोग इसको ज्वाइन करना चाहते हैं उसके पहले इस वीडियो को देखें और रियलिटी को समझें कि आपको यहाँ पे आने के बाद क्या क्या चीज़ें करनी पड़ेगी, उस हिसाब से आप इस प्रोग्राम को ज्वाइन करें या फिर ना करें वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो मेरे हिसाब से, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से पीओ जो है रिज़ाइन क्यों कर रहे हैं, तो मेरे हिसाब से पहला पॉइंट ये है रिज़ाइन करने का कि आप जब मणिपाल में जो भी आप बैंकिंग से रिलेटेड आप जो पढ़ाई करते हैं वो पूरा थ्योरेटिकल होता है, मतलब आपको पूरा वहाँ पे थ्योरी पढ़ाया जाता है, आपको प्रैक्टिकल कुछ भी वहाँ पे नहीं बताया जाता है। तो जब आप वहाँ पे 4 महीना पूरा प्रिपेयर होके आते हैं पढ़ाई करके, पूरा जो भी थ्योरी आप पढ़ के आते हैं, तो जब आप यहाँ पे आते हैं तो आपको यहाँ पे सारी चीज़ें प्रैक्टिकल करनी होती है, देखनी होती है। तो आपको अजीब सा फील होता है कि वहाँ पे जो पढ़ाया गया है क्या पता वो मुझे यहाँ पे काम आएगा नहीं आएगा, मैं उन चीज़ों को याद रख पाऊँगा या नहीं रख पाऊँगा। और उसके बाद ये भी आप सोचते हैं, क्योंकि मैं जो सोचता था वो बता रहा हूँ, फिर आप ये भी सोचते हैं कि यार वहाँ पे तो कुछ और बताया गया था, यहाँ पे पूरा प्रैक्टिकल है, कस्टमर आके बोलता है कि मेरा ये प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम है, फिर अपन उसको सॉल्व नहीं कर पाते हैं, तो ये चीज़ें पहले से ही वहाँ पे बता दिया गया होता। तो वहाँ पे क्या है कि आपको सारा थियरी पढ़ाया जाता है, जो भी इंटरनल है बैंकिंग का वो आपको बताया जाता है, बट यहाँ पे आने के बाद जब आप उसको प्रैक्टिकल करते हैं तो थोड़ा डिफिकल्टीज होता है। तो वहाँ पे एक पॉइंट हो सकता है कि आप वहाँ पे डिसअपॉइंटेड हो जाते हैं बहुत ज़्यादा। इसके अलावा दूसरा पॉइंट मुझे ये लगता है कि जब आप इंटर्नशिप में होते हैं तो आपको कोई टारगेट नहीं दिया जाता है और कोई टारगेट्स होता भी नहीं, बस आपको चीज़ों को सीखना होता है, अब्सॉर्ब करना होता है। तो वहाँ पे आप पूरे दिन बैठे रहते हैं ब्रांच में, आपसे कोई कुछ पूछता नहीं है, आपसे कोई कुछ सजेशन भी नहीं लेता है और किसी को आप रिपोर्ट भी नहीं करते हैं कि आज मैंने ये किया वो किया, आप बस चीज़ों को नोट डाउन करते हैं डायरी में, चीज़ों को देखते हैं, कस्टमर के क्वेरीज को देखते हैं और फिर आप शाम में घर चले जाते हैं। तो आपको ऐसा लगता है, ऐसा फील होता है कि मतलब मैं कुछ कर ही नहीं रहा हूँ लाइफ में, मतलब मैं क्या ही कर रहा हूँ ब्रांच में आके, तो ये फील होता है। तो मेरे हिसाब से दूसरा पॉइंट ये होता है। अब अपन बात करते हैं OJT का। तो OJT में क्या होता है कि जब आप OJT में जाते हैं तो जो भी आप इंटर्नशिप में चीज़ों को देखे रहते हैं, समझे रहते हैं, उन सारी चीज़ों को आपको वहाँ पे इंप्लीमेंट करना पड़ता है। कुछ कस्टमर दिए जाते हैं आपको जिनसे आपको की बातें करनी होती हैं, आपको थोड़ा बहुत बिजनेस भी करना होता है, ज़्यादा नहीं थोड़ा बहुत आपको बिजनेस करना होता है, क्योंकि देखो सबको पता है कि आप अभी नया नया ज्वाइन किए हो, आपको बैंकिंग के बारे में कुछ नहीं पता, आप जब तक 2-4-5 साल नहीं दोगे आप बैंकिंग का कुछ भी नहीं जानोगे, क्योंकि ये आसान नहीं है पहली चीज़, और सबसे बैंकिंग होगा भी नहीं। बहुत सारे लोग हैं जो प्रेशर नहीं ले पा रहे हैं, तो सारे लोगों से बैंकिंग होगा भी नहीं, उन्हीं से हो पाएगा। इसमें पेशेंस बहुत चाहिए मेरे हिसाब से। आपके पास जितना पेशेंस होगा आप उतना इस सेक्टर में आगे बढ़ोगे, अगर आपके पास पेशेंस नहीं है तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। तो बहुत सारे लोग जब OJT में जाते हैं थोड़ा बहुत टारगेट मिलता है और वो टारगेट अगर ऑन टाइम कंप्लीट नहीं हो पाता है तो वो लोग ये सोचते हैं कि हमें नौकरी से निकाल दिया जाएगा या फिर लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। तो ऐसा बिल्कुल नहीं, आपको नौकरी से नहीं निकाला जाएगा और लोग आपके बारे में कुछ भी नहीं सोचेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग, क्योंकि इस दुनिया में जितने भी लोग हैं जो कॉर्पोरेट में काम कर रहे हैं जिनको टारगेट्स मिलता है, 100% किसी का भी अचीव नहीं होता है, चाहे आपकी वो सीनियर हायरार्की हो या फिर आपके लोअर मैनेजमेंट के लोग हो, किसी से भी वो कंप्लीट नहीं होता है। 50, 60, 70, 80 अपनी अपनी एलिजिबिलिटी होती है कंप्लीट करने की, अपनी अपनी क्षमता है कंप्लीट करने की, कि आप किस तरीके से कंप्लीट कर, हार्डवर्क कर रहे हो, स्मार्ट वर्क कर रहे हो, वो डिपेंड करता है। तो अभी अपन ना हार्डवर्क कर सकते हैं ना स्मार्ट वर्क कर सकते हैं, क्योंकि अपन OJT में होते हैं और अपना होम टाउन भी नहीं होता है, तो लोगों को हम जानते भी नहीं है, हमारा जहाँ भी पोस्टिंग होता है हमारे लिए नया होता है, तो अपने सराउंडिंग्स को, अपने आसपास के लोगों को, उनके कल्चर को अपन समझने में धीरे धीरे 1-2 साल टाइम लग जाता है। तो मैनेजमेंट भी समझती है इन सारी चीज़ों को कि नया बच्चा है, बट उनका क्या, वो तो ऐसे नहीं बोलेंगे ना कि तुम खुले सांड की तरह घूमो, तुम्हें कोई टारगेट्स नहीं है, तुम बस आओ और जाओ और सैलरी उठाओ, ऐसा कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं करता है। तो कहीं ना कहीं वो लोग भी थोड़ा बहुत प्रेशर देते हैं ताकि आप भी अपने आप को बिल्ड करो, आप थोड़ा सा अपने कंफर्ट लेवल से निकल के और थोड़ा सा आप एफर्ट डालो अपना, ताकि आप भी चीज़ों को समझो और प्रोडक्ट्स को समझो और कस्टमर से बात करने के तरीके को समझो। तो ये सारी चीज़ें होती है। तो मेरे हिसाब से तीसरा पॉइंट ये लगता है कि इसी वजह से बहुत सारे जो पीओ हैं वो रिज़ाइन करते हैं, क्योंकि उनके अंदर पेशेंस नहीं है, वो क्या है कि तुरंत मतलब बहुत जल्दी छोड़ देते हैं, क्विट कर देते हैं। बहुत सारे सेल्फ फंडिंग वाले होते हैं जो कि तुरंत ही रिज़ाइन कर देते हैं, बहुत सारे लोन वाले होते हैं जो लोन को PL में कन्वर्ट करके पर्सनल लोन में लेके और पर्सनल लोन को पे करके जो अमाउंट वो लेते हैं 2-2.5 लाख वो पे करके और फिर उसको क्लोज करके एजुकेशन लोन को और वो रिज़ाइन कर देते हैं। तो इन सारी चीज़ों की वजह से बहुत सारे पीओ जो है वो रिज़ाइन कर रहे हैं आज के टाइम पे।
और अब मैं अपना बता देता हूँ, क्योंकि आप लोग भी मेरे वीडियोस देखते हो तो आप लोग सोचते हो कि ये इतना स्मूथली मतलब कैसे सब कुछ हो जाता है। तो मेरा क्या है कि मेरा इंटर्नशिप भी आसानी से हो गया, 4 महीने का ट्रेनिंग भी हो गया, 2 महीने का इंटर्नशिप भी आसानी से हो गया, और अभी मैं स्टिल OJT में हूँ और OJT मेरा कुछ महीने में कंप्लीट होने वाला है और ये भी मेरा आसानी से हो जाएगा। इसका रीज़न यही है कि मैं ज़्यादा चीज़ों को सोचता नहीं हूँ। अपना मॉर्निंग में गया, हडल किया, जो भी है, जो भी मेरे टारगेट्स हैं उस पर मैंने थोड़ा बहुत काम किया। इसके अलावा काम करने के बाद जो भी मेरे पास टाइम बचता है, फिर मैं सोचता हूँ कि मुझे कल क्या करना है। मैं सारी चीज़ों को लिखता हूँ, मेंटेन करता हूँ। नो डाउट मुझे भी सुनना पड़ता है, इवन सबको सुनना पड़ता है, जो सीनियर हैं बहुत साल से काम करते हैं उनको भी सुनना पड़ता है, बट एक लिमिट में, पहली चीज़। और दूसरी चीज़ कि जहाँ तक कि टारगेट का बात है, तो टारगेट्स जो मिलते हैं वो पूरा अचीव नहीं होता है, किसी से भी नहीं होता है। आप जो लोग फ्रेशर हैं वो तो नहीं समझ पाएंगे, बट जो लोग एक्सपीरियंस है, जो कहीं पे पहले काम कर चुके हैं, उनको पता होगा कि टारगेट्स किसी का भी पूरा अचीव नहीं होता है, थोड़ा बहुत रह जाता है। बट आपको कोशिश करना होगा, आपको बताना होगा कि हाँ, आपने मुझे इतना टास्क दिया था, मैंने इतना मतलब मेरा इफॉर्ट था, मैंने पूरा कोशिश किया, मेरे से हुआ नहीं, इतना ही हो पाया। ये चीज़ एक अलग चीज़ है, बट आप पूरा जीरो पे ही हैं, आप कुछ कर ही नहीं रहे हैं, आप फ्रस्ट्रेट हो गए हैं, आप बस रिजाइन का सोच रहे हैं, ये चीज़ें अलग हैं, तो आप कभी नहीं कर पाओगे। तो मेरे हिसाब से बैंकिंग में जितना ज़्यादा आप पेशेंस रखोगे, जितना ज़्यादा आप टाइम दोगे, उतना ज़्यादा आप इसमें आगे बढ़ोगे, चीज़ों को समझोगे, आपका उतना ज़्यादा एक्सपीरियंस काउंट होगा, और आप उतना ज़्यादा आप स्विच भी कर सकते हैं, आप अदर MNC में भी जा सकते हैं, आप दूसरे बैंक में भी जा सकते हैं, ये सारी ऑप्शंस आपके पास होती हैं। तो थोड़ा सा टाइम देना होगा। तो जो भी अभी नया ज्वाइन करने वाले हैं, या फिर जो अभी इंटर्नशिप में हैं, या फिर जो अभी ब्रांच में आने वाले हैं, मैं उनको यही कहना चाहूँगा कि प्लीज़ थोड़ा सा पेशेंस रखो, और आने के बाद इंटर्नशिप में और OJT में थोड़ा सा मतलब थोड़ा क्या, बहुत सारी चीज़ें बहुत डिफरेंट लगेंगी, क्योंकि मणिपाल में कुछ और सीन था, यहाँ कुछ और सीन है, ऐसा आपको लगेगा, फील होगा। तो वहाँ पर थोड़ा सा पेशेंस रखना और सोचना कि बहुत सारे लोग कर रहे हैं तो मैं भी कर लूँगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही, और 86 बैच के लिए एप्लीकेशन ओपन हो चुका है नेक्स्ट मंथ के लिए, जुलाई के लिए। तो जो लोग जाना चाहते हैं वो लोग अप्लाई करें। एप्टीट्यूड टेस्ट और इंटरव्यू और लोन प्रोसेस से लेके कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी क्वेरी हो, मुझे कमेंट बॉक्स में डाल देना, मैं उसका रिप्लाई कर दूंगा। सो थैंक यू सो मच इस वीडियो में, बाकी का फिर से अपडेट करूंगा, जो भी कुछ भी नया अगर ऐसा कुछ होगा तो। सो थैंक यू सो मच, चैनल को सब्सक्राइब करो और ऐसे ही अपडेट मैं देते रहूँगा चैनल पर। सो थैंक यू गाइस।